हाथ ऊपर, पीछे मोड़, नीचे झुक। गुरुजी अभी मुंह मत खोलो। एक बात तो तय है, इस घर में गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आई हेट दिस फैमिली। बाबा जी ये स्टेप करके तो बहुत आराम मिला, ये स्टेप फिर से करें क्या? नहीं, एक बार में मुश्किल से झेला है, दूसरी बार में उल्टी हो जाएगी। जाओ। रोजी, इन बुड्ढों ने तो नाक के बाल जला दिए। अब एक काम करना पड़ेगा, जवान पे जादू चलाते हैं, इनकी बायोलॉजी में केमिस्ट्री डालते हैं। अब देखो कमाल। इसको बोलते हैं छिलका मिलन। ओह मिस्टर डिस्को, यहाँ पे क्या गोले गुलफाम हो रहा है? हा? जो तुझसे नहीं होता। मेरी छोड़ो, वो लड़की उसकी कसकर किस ले रही थी, मैंने देखा। उनकी किससे किसका क्या जा रहा है, उन्हें एंजॉय करने दो। रोजी क्या कह रहा है? बुढ़ो का मुंह बंद करने के लिए हाथ में केला दो। देखो तुम लोग, मुझे केला मत बनाओ। ये क्या? दूसरी चुम्मी तुम्हारे दिल पर, हमारे प्यार के नाम। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लग गया? हॉलीवुड फिल्म का सीन देखो। ओ वो Yes. तो डांस की प्रैक्टिस है और डांस रिहर्सल। मुझे लगा रोमांस रिहर्सल चल रही है। आई एम सॉरी मिस्टर डिस्को। अब तो समझ गए ना? यस सही है, सीन कंटिन्यू करो। ये नहीं, कोई और स्टेप करवाओ। ये अच्छा नहीं है। चलो दोबारा करो। एक मिनट, इसी तरह का एक दो स्टेप मुझे भी करवाओ ना, प्लीज प्लीज। अभी आई डैडी। मेरा हो गया, मुझे जाने दो। क्यूट बेबे, यहाँ लेडीज जेंट्स का सेपरेट बाथरूम नहीं है, और तुम कल का भी आज ही नहा लो ना, पानी भी बच जाएगा और दूरियां भी कम हो जाएंगी। बकवास बंद, लेट मी गो। दो चुम्मियां तो मैंने ले ही ली हैं, अब तीसरी लिप टू लिप दे भी दो ना। हाथ सबको बुलाऊंगा, देखा? बुलाओ ना बाबूजी, जोर से चिल्लाओ। छोड़ मुझे, छिछोरी कहीं की। जैसा लंबा हो गया है, लेकिन अकल दो पैसे की नहीं। एक दूंगी ना रखे तो प्यार में पीएचडी हो जाएगी। एक लड़की ने तुम्हें बाथरूम में ब्लॉक किया है, उसका फायदा उठाओ, मुझसे लिपट जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, अच्छा चांस है। अरे शर्म कर। शर्म तो बेच दी, इज्जत बचा के भाग ले। ऐसी नजरों से क्या देख रहा है राजा? जल्दी से मेरी बाहों में आजा, ये मौका जाने मत दे। तुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मुझे तो तुझ पे शक हो रहा है। एक अबला मर्द को बाथरूम में छेड़ते हुए, ए नारी तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरी इज्जत बख्शोगी? बख्शूंगी। कैसे? तुम्हारा शिकार करके। बाबूजी, आप लोगों ने मुझ जैसे अनाथ को अपनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बात यह है कि मैं संध्या से प्यार करने लगा हूँ, पर मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। आपका मुन्ना। दामाजी रुकिए रुकिए, बोल सुलेमान। हाय, हमने साले की जन्म कुंडली तक पता कर ली है। कौन है साला? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ जी? अंकिल। हाँ बेटा। मुन्ना एक लेटर छोड़ के गया जिस पर आपका नाम लिखा है। तोप सिंह, तोप सिंह, वो आ गया। कौन आ गया? भागो ग्राहक भागो। टोप सिंह, अपना खेल खेलने के लिए इस प्यादे को वहां भेजा था, लेकिन मैंने तेरा लंबा चौड़ा गेम चौपट कर दिया, वो भी शॉर्ट टाइम में। अगर तू बुलेट है तो मैं एटम बम हूँ। मैं तेरे लिए कॉल बनकर आया हूँ। जिस दिन मैंने थाई भाषा में स्वादी काप कहा था और तू समझा नहीं, तभी मैं समझ गया था। कंफर्मेशन आज मिला। आप उनका भेजा फेरे, इससे पहले फैसला कर लो कि सच्चाई तुम बताओगे या मैं उगलवा लूं। मैं बताता हूँ। प्रताप सिंह के दोस्त ने संध्या के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया था, मगर हमने उस परिवार को काट डाला। उसकी जगह पर हमने अपना आदमी भेजा। बात समझ में आई? ये लोग दुश्मनों को खत्म करने के लिए हथियार नहीं चलाते, हथियार से भी तेज दिमाग चलाते हैं। समझ गए मुन्ना? और बताऊं, इन्होंने आज तक बहुत लोगों को मारा है, मगर इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हिम्मत है तो इनसे बच के दिखा। तेरे जैसा मुन्ना इनके सामने टुन्ना है। तेरे चमचे तो गन अभी अभी पकड़ना सीखे हैं, अपन तो झूले में जिसके साथ खेलता। आगे से आउटडोर गेम बंद कर दे, वीडियो गेम सीख ले। अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में लोग दर दर भटकते हैं, ताकि उनकी बेटी हमेशा एक खुशहाल जीवन जिए, और मेरा भी यही अरमान है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंढा है। संध्या और मुन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी हो जाए, वो भी उसी दिन जो पहले से तय है। मगर बाबूजी। बेटा, मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मगर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। जब तोप सिंह ने अपना बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, तो तुमने ही जान पर खेलकर उसे बचाया था। मेरी नजरों में तुम ही उसके काबिल हो बेटा। ये आप? संध्या तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। देखो मुन्ना, संध्या के लिए तुम ही सबसे अच्छे हो। बाबूजी लेकिन गोरेगांव वेस्ट ले चलो। बाबूजी दरअसल बात। मुन्ना, ये सुनते नहीं सुनाते हैं। इतना क्या सोच रहे हैं भैया? अगर दुल्हन तैयार है तो मंडप भी तैयार है, अगर आप तैयार हैं तो हम सब तैयार हैं। जरा ध्यान से सुनो, आज इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए एक खुशी की बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? कल सगाई के बाद जो भी सबसे अच्छा डांस करेगा, उस कपल को मैं फिल्मों में डांस करने का मौका दूंगा और उनका नाम हेडलाइन में आएगा। तो हम दोनों भी हिस्सा लेंगे? नो 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 नो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी अभी तक जोड़ी नहीं बनी। तुम्हारी जोड़ी बन चुकी है। जजमान, अपनी गांव की परंपरा के अनुसार वर और वधू को भगवान के दर्शन करने हैं, फिर मंदिर में इधर उधर चक्कर लगाना है, उसके बाद जमा तो ठीक, नहीं तो लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। क्या हुआ? चलो मेरा उधार चुकाओ। कैसा उधार? वही आखिरी चुम्मी, लिप टू लिप। इतनी जल्दी क्या है? शादी के बाद मिलेगी। शादी के बाद तो हर चीज लीगल हो जाएगी। मेरा बच्चा, लीगल काम करने में कहाँ मजा आता है? अगर काम इल्लीगल हो तो मजा डबल हो जाता है। चुम्मी दो ना। माफ करो। कम ऑन बेबी, बस एक चुम्मी। कंट्रोल कर। मंदिर में खड़ी हो, मंदिर में प्रसाद मिलता है, चुम्मी नहीं। ओम नमः। अरे क्या कर रही हो? जाने मन, यहाँ पर कोई नहीं है और प्यार करना कोई पाप नहीं है। प्यार तो एक पूजा है और पूजा के बाद प्रसाद पर तो पूरा हक बनता है। संध्या, ये क्या पागलपन है? जो भी हो, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मुझे चुम्मी नहीं दोगे। दिल तो मेरा भी कर रहा है, कंट्रोल कर रखा है। संध्या दरवाजा खोलो। पहले तुम मुझे लिप लॉक करो, उसके बाद ये लॉक खुलेगा। संध्या मेरी बात सुनो। अरे खोलो, क्या जल्दी है संध्या।